The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So we are Today, our topic uh, Dizziness. Chakkarana. Chakkar kyu hai Sanko. Let's talk about this. हमने बात कर हुई है फेंटिंग जो बताया आपको फेंटिंग का मतलब होता है कि आप कुछ देर के लिए बेहोश हो गए वही सिंकोप और फेंटिंग एक बराबर है यानी आप कुछ देर के लिए बेहोश हो गए पूरे बेहोश हो गए वो आपका हो सकता है कुछ मिनटों के लिए या कुछ मिनट से कम टाइम के लिए लेकिन डिजीनेस का मतलब है चक्कर आना मतलब लाइट हेडनेस मतलब वर्टिगो होना कुछ ऐसे घूमते हुए दिखना आंखों के सामने अंधेरा आना लेकिन आप बेहोश नहीं हुए लाइट हेडनेस मतलब यू माइट फेंट आप बेहोश होंगे आप बेहोश होंगे लेकिन आप हुए नहीं उसको बोलते डिजीनेस फेंट हो गए तो फेंटिंग सिंकोप दैट इज बिकॉज ऑफ लो ब्लड फ्लो इन योर ब्रेन हमने ऑलरेडी बताया दिस इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम याद रखिए वर्टिगो मतलब स्पिनिंग एंड मूविंग थिंग्स मतलब ये जो मैं हूं या ऐसे ऐसे घूमने लग गया वैसे आपको लगे कि सब कुछ घूम रहा है सो दैट इज वर्टिको स्पिनिंग और मूविंग और आपको लगता है कि आप स्पिन हो रहे हो या पूरी दुनिया ही स्पिन हो रही है दैट इज मोर वर्टिगो रिलेटेड काइंड ऑफ अ डिसऑर्डर उसको वर्टिगो वाले वीडियो में हम समझाएंगे यहाँ बात हो रही है डिजीनेस की जिसमें वर्टिगो एक सिम्टम हो सकता है लेकिन आपको लाइट हेडेड रहेगा ना सिर्फ चीज़ घूम रही है आप बेहोश होने वाले हो दैट इज कॉल्ड एज डिजीनेस लेट्स कंसिडर दिस इट इज नॉट ज्यादातर केसेस में ज्यादातर केसेस में डिजनेस इज नॉट एन इमीजिएट इमरजेंसी इट्स नॉट अ सीरियस थिंग कुछ केसेस में हो सकती है वो हम बताएंगे कारणों के हिसाब से और आपको क्या करना पड़ेगा डिजीनेस में आप या तो तुरंत उठ के बैठ जाते हो आप फील बेटर करते हो या थोड़ी देर में के ट्रीटमेंट में पानी मतलब आपने कुछ आप कॉन्शियस हो इसलिए आप पानी पी सकते हो सिंकोप में फेंटिंग में आपको पानी नहीं पिलाना चाहिए और फिर आप कुछ खा पी लेते हो तो आपको अच्छा लगने लगता है अगेन कंसिडर कॉजेज क्या है इसके कारण क्या है क्यों हो गया क्यों आपको लाइट हेडनेस है और क्यों आपका दिक्कत आ गया राइट right. इस केस में भी लाइट हेडिजनेस हो सकती है कि आपके ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा या कम जा रहा हो मगर यह उतना नहीं है कि आप बेहोश हो जाओ ओके बिकॉज यह उतना नहीं है कि आप बेहोश हो जाओ इसीलिए यह सीरियस नहीं वरना अगर आप बेहोश हो गए तो यह डिजीनेस से सिंकोप हो जाएगा फेंटिंग हो जाएगा वो सीरियस हो जाएगा सिंपल अब क्योंकि उतना ज्यादा ब्लड फ्लो नहीं है ब्लड ब्लड कम फ्लो कम हुआ है ब्रेन को तो कारण भी सिमिलर हो सकते हैं Fainting जैसे ड्रॉप ऑफ़ ब्लड प्रेशर हो रहा है या तो आप डिहाइड्रेटेड है आपने पानी नहीं पिया नंबर वन कारण इस मौसम में आपको या तो डायरिया है फीवर है वॉट एवर वॉमिटिंग है उस वजह से आपने पानी नहीं पिया और जो है अंदर वो भी कम हो रहा है दैट कॉजेज डिहाइड्रेशन या फिर आप ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन यानी आप बैठे हुए लेटे हुए तुरंत खड़े हो जा रहे हैं वो भी एक कारण होता है चक्कर आने का फेंटिंग होने का और याद रखिए फ्लू के वजह से भी फेंटिंग हो सकती है लो ब्लड शुगर कोल्ड एलर्जीज इनके वजह से भी हो सकती है और हार्ट की बीमारी कोई हार्ट अटैक है एबनॉर्मल हार्ट बीट है स्ट्रोक है ब्लीडिंग है शॉक है किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक शॉक लग गया तो भी चक्कर आ सकते हैं ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है दीज और थिंग्स कैन हैपन नाउ अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो फिर आपको फेंटिंग के अलावा और एक सेकेंड कोई ना कोई सिम्टम आएगा हार्ट अटैक है तो छाती में दर्द होगा धड़कन में प्रॉब्लम होगी या स्ट्रोक हो रहा है तो स्प्रीच में प्रॉब्लम होगी विजन में प्रॉब्लम होगी और कोई ना कोई सिम्टम आएगा बुखार होगा कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा अगर कुछ और नहीं है इट माइट नॉट बी अ सीरियस प्रॉब्लम बट स्टिल जब समय मिले हेल्थ एग्जामिनेशन आपको करा लेना चाहिए वर्टिगो वर्टिको क्या है वर्टिको मतलब चीजें घूमना चक्कर 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 राउंड द क्लॉक वट एवर इट इज चीज अगर आपके सामने पड़ी पड़ी घूम रही है तो उसका कारण हो सकता है बिनाइन पोजिशनल वर्टिको बिनाइन पोजिशनल वर्टिको तीन मेन कारण है उसके बाकी और भी कारण है वर्टिको लाइट हेडनेस है एक तो दवाइयाँ हो सकती है स्ट्रोक हो सकता है कभी दिमाग में मल्टीपल स्कलरसिस हो सकता है मतलब ब्रेन के फंक्शन ब्रेन के न्यूरोन्स अपने आप मर रहे हैं डाइन दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली दौरे पड़े हो सकते हैं ब्रेन में ट्यूमर हो सकता है ब्लीडिंग हो सकता है ब्रेन के अंदर दीज मेनी थिंग्स कैन हैपन बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड वर्टिगो के तीन कारण है सिर्फ वर्टिगो और कुछ नहीं है सिर्फ चीज़ घूम रही है राइट right? उसके क्या मतलब वर्टिगो दूसरी बीमारी में भी हो सकता है और केवल वर्टिगो इन तीन मेन डिजीज से होता है नंबर वन इज एक होता है पोजिशनल वर्टिको मतलब आपने सर हिलाया कि चक्कर आता है सर हिलाया कि चक्कर आता है सर हिलाया कि चक्कर आता है दैट इज बिनाइन पोजिशनल वर्टिको उसका ट्रीटमेंट सर ज्यादा में हिलाओ ठीक हो गया <laughs> जी हा तो सर हिलाया कि चक्कर आता है मतलब बिनाइन पोजिशनल वर्टिको दैट इज अ स्पिनिंग फीलिंग दैट ऑकर्स वेन यू मूव योर हेड इसीलिए लोग जो गाड़ी में बैठे चक्कर आ रहा चक्कर आ रहा चक्कर आ रहा है भगवान मैं क्या करूं समथिंग लाइक दैट कैन हैपन देन देट इज समथिंग कॉल्ड एज लेब्रिंथ लेब्रिंथ का मतलब है क्या आपको पता है आपके कान के अंदर तीन ईयर्स हैं एक हो गया एक्सटर्नल एक मिडल एक इनर ईयर तीन तीन टाइप्स है उसके और जो आपका पर्दा है वो आपका कान का पर्दा एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर को सेपरेट करता है मिडल ईयर में तीन छोटी छोटी हड्डियां हैं और उसके पीछे जहां एक्चुअली सब नर्व्स आती हैं आती है ब्रेन की दैट इज कॉल्ड एज कोकलिया एंड लेब्रिंथ लेब्रिंथ बेसिकली आपका वो हिस्सा है जो जिसके अंदर बैलेंसिंग सिस्टम है आपके बॉडी का आपकी बॉडी जब ऐसे टेढ़ी होती है तो गिरती नहीं है क्योंकि आपके बॉडी में बैलेंसिंग सिस्टम है वो लेब्रिंथ में दोनों कानों में जो बैलेंस करता है आपको तो so, लेब्रिंथ में अगर इन्फेक्शन हो जाए इन्फ्लामेशन हो जाए जिसको लेब्रिंथराइटिस बोलते हैं इनर ईयर के अंदर कभी वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है इनर ईयर के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है तो so, ज़्यादातर ऐसे कोल्ड या फ्लू के बाद होता है कॉमन कोल्ड या फ्लू आपको हुआ उसके बाद वो इन्फेक्शन अंदर कान के अंदर इनर ईयर में चला गया आपको हो गया लेब्रिंथ्राइटिस वायरल इन्फेक्शन कोकलीर कोकलीयर इन्फेक्शन सो so, इस तरह की की डिसीज में आपको सिर्फ वर्टिगो आएगा तो बिनाइन प्रोस्टेट प्रोजिशनल वर्टिगो एंड द थर्ड रीजन इज द मिनियर्स डिजीज मिनियर्स डिजीज इज अ कॉमन इनर ईयर प्रॉब्लम जिसमें के इनर ईयर के जो नर्व सेल्स हैं वहां पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है तो वहां इनर ईयर फंक्शन ठीक से नहीं करेगा तो चक्कर आएगा सो so, ये हुए कारण वर्टिगो के और पेंटिंग के हम बता चुके हैं पहले इसमें और दूसरे डिजीनेस के हमने बता दिए तो सारे मिला के अगर आप लिखोगे तो आपको कारण पता चलेगा अब हो गई पेंट अब हो गई डिजीनेस हो रही है तो आप क्या करेंगे अगर आपको लाइट हेडेडनेस आ रहा है एकदम से खड़े होने से तो एकदम एकदम सडन चेंज ना करें पोस्चर दस सेकेंड बैठें फिर दस सेकेंड खड़े हो फिर दस सेकेंड बाद चलें ऐसे धीरे धीरे 5 दस सेकेंड वेट करके काम धंधे करें अपने उसके अलावा उठना धीरे धीरे है झटका मार के नहीं उठना है कोई जल्दबाजी नहीं है राइट एकदम और अगर कोई खड़ा हो रहा है तो कुछ पकड़ के खड़े हो मतलब आपको पता होना चाहिए हमें कुछ है पकड़ने के लिए तो हम गिरेंगे नहीं समथिंग लाइक दट ऐसा वर्टिगो अगर हो रहा है तो वर्टिगो के लिए आप क्या कर सकते हैं आपने अपने एक जगह खड़े हो जाइए जब तक चक्कर आ रहे हैं खड़े स्टैंड स्टिल कीप स्टिल या तो बैठे हैं या खड़े हैं तो एक जगह बैठे हैं या खड़े हो जाइए जब तक सिम्टम्स आपके हो रहे हैं चक्कर आ रहे हैं तब तक कोई भी सडन मूवमेंट नहीं करना कि चक्कर आ रहे हो और आप हरे में को बचाओ अरे मेरे को बचाओ तो गिर के बेहोश हो जाओगे या चक्कर चोट लग जाएगी और अगर आप एक जगह बैठे हो आराम से खड़े हो और वो चक्कर बंद हो गए बेसिकली समझ लो कि कोई एक चीज़ ऐसे ऐसे गलत हिलने लगी तो उसको आपने क्या किया रुको ताकि वो गलत गलत आपके जो अंदर का इनर ईयर है वो आराम से स्टेबल हो जाए उसके बाद जो आपने हिलना है धीरे से हिलना है डोंट बी लाइक चलो भागेंगे भागना थोड़ी नहीं करनी है इधर स्लोली आपको काम करना है इसमें आ, आप उसके लिए ज़रूरत पड़े पे उम्र ज़्यादा है तो केन ले सकते हो वर्टिगो अटैक बार बार हो रहा है तो और ऐसी कोई भी चीज़ जैसे कि बहुत ब्राइट लाइट बहुत ज़्यादा आवाज़ बहुत ज़्यादा टीवी या फिर ऐसी कोई चीज़ रीडिंग करना पढ़ना अवॉइड करें जब आपको वर्टिगो अटैक हो रहे हैं बिकॉज़ ये फिर से अटैक कर सकता है या सिम्टम्स वर्स कर सकता है ये चीज़ें याद रखें और ऐसी कोई एक्टिविटी जैसे ड्राइविंग ऑपरेटिंग हैवी मशीनरी क्लाइंबिंग ये ना करें एक हफ्ते तक जब तक आपके सिम्टम्स पूरी तरह से नहीं चले जाते आज पहली बार हुआ कल हुआ परसों हुआ तो हफ्ते भर कुछ नहीं करना है एक हफ्ते बिना सिम्टम के रहने के बाद ही आप सोचेंगे कि चलो मैं कार में बैठूं कार चलाऊं याद रखिए एक सडन डिजीनेस वर्टी को कार चलाते हुए कोई हैवी मशीनरी चलाते हुए दुर्घटना करके जान से हाथ धो बैठेंगे आप या कोई और इट कैन बी डेंजरस सो डोंट डू दैट इसके अलावा अगर आपको जैसे हमने बताया किसी भी प्रकार के सीरियस सिम्टम आ रहे हैं मान लो दौरे पड़ रहे हैं टंग बाइट है छाती में दर्द है सांस फूल रहा है बहुत ज़्यादा दिख दिखाई में प्रॉब्लम हो रहा है एक आधा हाथ फेंटिंग हो रही है गिर गए चोट लगी है डिजीनेस हो गई है राइट हियरिंग लॉस हो गई है कान से आवाज़ नहीं आ रही है या मान लो बुखार है 101 से ज़्यादा हेड इंजरी है तो ऐसे कोई भी सिम्टम्स में आप फिर डॉक्टर को जाके दिखाएं एग्जामिनेशन कराएं डॉक्टर फिर आपकी जांच करेंगे कि भैया क्यों हुआ क्या हुआ और हो सकता है आपके बहुत सारे टेस्ट हों इसमें कुछ सीरियस टेस्ट जैसे एम भी ब्लड प्रेशर ए सी हियरिंग टेस्ट बैलेंसिंग टेस्ट एम आर आई ब्रेन एम आर आई ईयर ऐसी कई सारी चीज़ें हो सकती है और आपको थोड़े बहुत नौजिया की दवा एंटी हिस्टामिन सिडेटिव उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दी जा सकती है अगर मिनियस डिजीज़ निकलती है तो उसके लिए सर्जरी होती है मिनियस डिजीज़ का अलग से कभी वीडियो बनाएंगे सो तो यह हुई बातचीत हमारी डिजीनेस पे फेंटिंग वाली बातचीत ऑलरेडी हो चुकी तो अगर कोई सवाल है तो ज़रूर लिखिए और शेयर करते रहिए वीडियो और किस किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताइएगा थैंक यू सो मच स्टे कनेक्टेड Stay healthy.